गाइस, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो आप देखोगे इसमें मैंने छोटी छोटी क्लिप्स जो है ना वो ऐड की है एज अ मेमोरी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यार ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना एंड एंजॉय। लेट्स गो टू हरिद्वार। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी मेरे साथ हरिद्वार में। तो ट्रेन में मैं बैठी हूँ। बाय द वे हमारी 4:45 की ट्रेन थी। सो अभी थोड़ा सन, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ही आ गया, सन आ गया है तो मेरे को रोशनी नज़र आ रही है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि फटाफट से ना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो यस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेन में कितनी ज़्यादा रौनक हो रही है। गाइस, छोले भटूरे खा लो, आप भी हमारे साथ आ जाओ जल्दी से। ओ यार, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है ना, और सफ़र इतना ज़्यादा लंबा है। मतलब मे बी वी विल रीच एट 2:00। तो यार सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है एंड अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो हम हो चुके हैं रेडी एंड हमें रूम जो है वो मिल गया था एंड अभी हमने बैग जो है वो प्रिपेयर कर लिया है गंगा के लिए। सो यस, नीचे जो है वो हमारे गणेश जी हैं। सो लेट मी शो यू। यस, वो रहे हमारे गणेश जी जिनको हम अभी लेकर जाने वाले हैं गंगा मैया। और यहाँ पे अभी होगा थोड़ा सा ढोल। यशिका भी है जो वो रेडी हो चुकी है। तो यशिका, आर यू रेडी? और कहाँ जा रहे हैं आज हम? गंगा पे। ओके, फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप? यस। ओके, तो यशिका जो है वो फर्स्ट टाइम जा रही है एंड मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ। और मुझे व्लॉग जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है शूट करना क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, बट अभी हमें करना पड़ेगा शर्म को। बाय बाय। आ चुके हैं हल्की पौड़ी गंगा एंड व्यू, ओ माय गॉड, व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेट मी शो यू पीछे वाले कैमरे से, इट इज लुकिंग ऑसम। मम्मा कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा। ओके पापा, गाइस तो अभी हम आज हुए गंगा स्नान करके, मार्केट एक्सप्लोर करने और यहाँ पे हम करेंगे हमारे लड्डू जी लड्डू की शॉपिंग थोड़ी सी। एंड यस, आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलते, बहुत प्यास लग रही है एंड अभी हम पीने वाले हैं लेमन सोडा और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड थैंक यू। गाइज, यहाँ पे जो हरिद्वार की मार्केट है ना वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी एंड बहुत ही अलग अलग तरीके का सामान मिल रहा था और मैंने कुछ शॉपिंग भी की है जो मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं हरिद्वार से। ज़्यादा नहीं की बट जितनी की है मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आज है day 2 और आज हम जा रहे हैं देहरादून और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड शायद अभी हमें फर्स्ट ब्रेकफास्ट करना है एंड देन विल गो टू देहरादून एंड वहाँ पे हम देखेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे और आप भी मेरे साथ देहरादून चलो। और अभी फाइनली हम देहरादून के लिए निकल चुके हैं एंड बस में बैठ चुके हैं और अब हमारी बस जो है वो चल चुकी है और हम पहुँचेंगे देहरादून। एंड पहाड़ी इलाके में ना मुझे तो वॉमिटिंग आती है तो मैं कम ही शूट कर पाऊँगी। सो आई विल सी यू देयर और अगर कोई यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट हुई तो मैं आपको दिखा दूँगी। ओके गाइस,
गाइस, तो बस में हम खेलते खेलते गए हैं अंताक्षरी एंड हमें बहुत ही मज़ा आया। और सॉन्ग्स जो हैं वो मैंने जानबूझ के हटाए हैं क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है, दैट्स वाई। और देखते ही देखते हम देहरादून पहुंच गए। लड़ाई आशु आंटी का बर्थडे है और आशु आंटी पार्टी दे रहे हैं। आशु आंटी ये पार्टी कर रहे हैं और आशु आंटी है, ये उसकी चार छह तितलियां हैं। एक तितली बीमार हो रही है, तितली और आशु आंटी की तरफ से पार्टी है और हम सारे जने पार्टी लेंगे आशु आंटी से। और आशु आंटी का मुंह देखो कितना उदास हो रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सहस्त्र धारा एंड यहाँ पे वाटरफॉल है जो आपको दूर से दिख रहा होगा। वाटरफॉल है एंड यहाँ पे जिसको भी स्किन प्रॉब्लम होती है ना वो दूर हो जाती है, तो वो बिल्कुल सामने जो है वो हमें वाटरफॉल दिख रहा है। मम्मा की तबीयत भी ठीक हो चुकी है। मम्मा ठीक हो आप? ओके, सो थोड़ा इधर इधर हो जाओ। सो हम आगे जा रहे हैं। एक तो हिंदी इतनी कमज़ोर है हद से ज़्यादा। सहस्त्र धारा प्राचीन शिव मंदिर मुख्य है प्रवेश द्वार। ओके, सो यहाँ से है हमारी एंट्री एंड हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। सो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना, एक्सेस वाली गर्मी है कसम से। और आई थिंक ये चेंजिंग एरिया है फॉर लेडीज़ की, ताकि चेंज कर सकें एंड वाटरफॉल इंजॉय कर सकें। सो यस, अभी देखते हैं कि हम कैसे। एक तो मेरे सो यस करने वाली आदत है ना, बड़ी गंदी है यार। मुझे ना व्लॉग में समझ ही नहीं आता कि बोलना क्या है। तो फोटो करवा रहे हैं, राम जी हैं, अच्छा राम जी के साथ फ़ोटो करवा रहे हैं और मैं अपनी मम्मा की फ़ोटो क्लिक करने वाली हूँ यहाँ पे। मम्मा आराम से जाना, बिल्कुल आराम से। बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ पे व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे फ़ोटोज़ करवाने वाली हैं और यहाँ पे हम फोटोज़ करवाएंगे। वहाँ पे मेरे मम्मा जा रहे हैं तो मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। बहुत ही यहाँ पे पतली सी गली लग रही है, एक तो मुझे बहुत ही डर लगता है यार। ओके गाइस, तो बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से ना मैंने ये बैकग्राउंड वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ कर दिया एंड यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया है हमें वाटरफॉल में। सभी आंटीज़ के साथ खूब इंजॉय किया मैंने। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और हमने बहुत ही अच्छा इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। सो अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ एंड मैं आपको एक बार फिर से व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा व्यू है, यू कैन सी, बहुत ही मज़ेदार व्यू है यार, माइंड ब्लोइंग। मम्मा दी ध्यान से नीचे ना, वी आर वेटिंग फॉर बस एंड बस अभी आई नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही ऑसम व्यू है यार। मेरे को नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी या नहीं, बट स्टिल आई एम शूटिंग। गाइज, आफ्टर सहस्त्र धारा हम यहाँ पे आए हैं लच्छी वाला नेचर पार्क एंड अगर आपको वीडियोस एंड फोटोज करवाने का बहुत एक्सट्रीम वाला क्रेज है ना, देन ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू आ जाता है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेचर पार्क। 50 बार ये लाइन बोल चुकी हूँ मैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या बोलूँ। वैसे मैं ना सही बताऊँ तो मैं अपने फादर को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, वैसे तो बनाती नहीं हूँ बट स्टिल जब भी बनाऊँ तो मेरे पापा जो हैं वो मेरा पूरा साथ देते हैं व्लॉग में एंड कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मेरे को मेरे पापा की बहुत याद आ रही है एंड आंटियाँ भी हैं, आंटी भी हैं साथ में। सो यस, वी आर इंजॉइंग। तो बस पापा को मिस यू। तो अभी हम करवाने वाले हैं ग्रुप फोटो एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है लच्छी वाला नेचर पार्क एंड यहाँ पे हम ग्रुप फोटो करवाने वाले हैं। हाय फोटो के लिए एंड देते हैं, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है ये बाय द वे। तो अभी हम वापसी की तरफ निकल रहे हैं। पहले तो हमने ऋषिकेश जाना था, पता नहीं अब जाएंगे या नहीं। त्रिवेणी की आरती होती है वहाँ पे, बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पे आई गेस मेरे को मासी बता रहे थे कि वहाँ पे वाइब ही अलग होती है, मतलब वाइब्रेशंस जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। तो वहाँ पे जाने का बहुत मन था बट आई गेस अभी टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो अभी पता नहीं कि जाना है या नहीं। एंड यस, अभी हम पीछे यहाँ पे ना फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो आई विल सी यू इन द बस, अगर कुछ धमाल हुआ तो आई विल रिकॉर्ड द वीडियो। वैसे मैं कच्ची व्लॉगर हूँ मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, मेरा वीडियो देख लेना प्लीज़ यार। Thank you.
गाइस तो यहाँ पे हम हैं त्रिवेणी घाट, एंड त्रिवेणी का मतलब होता है जहाँ पे तीन नदियाँ आके मिलती हों, और यहाँ पे तीन नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। एंड बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है, स्पेशली इसकी आरती। अगर आप यहाँ पे आओ, प्लान करो, तो डेफिनेटली आप आरती मिस मत करना, हमने तो कर दी थी बाय द वे। तो यस, आप ज़रूर यहाँ पे, मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर आना। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वाइब ही अलग है और बहुत ही अच्छा लगता है। हरिद्वार के ट्रिप में ना सबसे ज़्यादा अच्छी जगह मुझे जो लगी वो त्रिवेणी ही लगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने आरती है ना वो मिस कर दी थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो ना, तो टाइम से पहले ही जाना त्रिवेणी की आरती से, क्योंकि मैंने सुना अपने मम्मा से कि त्रिवेणी की आरती ना देखने वाली है, एंड बहुत ही अच्छा लगता है उसको देख के। तो मैं तो अब नेक्स्ट टाइम ही देखूँगी, एंड आप अगर जा रहे हो तो डेफिनेटली जाना ज़रूर। तो आज हमारा लास्ट डे है हरिद्वार में, एंड आज हमारी 2 बजे की ट्रेन भी है। तो अभी मैं गंगा स्नान करके आ चुकी हूँ और बहुत ही एक्सट्रीमली मज़ा आया है। एंड बस यही दुआ है कि हमारी गंगा मैया जो है वो हमें हर साल बुलाए, एंड हम हर साल यहाँ पे आएँ, साल में चाहे 2 बार आ जाएँ, बट यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। स्पेशली जो त्रिवेणी था वो तो दी बेस्ट था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो आई लाइक इट सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।